हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड एक नए कार्ड के बारे में जिसका नाम है ABHA यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो सबसे पहले हम गूगल करते हैं ABHA यानी कि आभा कार्ड, इंटर किया। अब यहाँ से फर्स्ट आती है हमारी NDHM की ऑफिशियल साइट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, यूजिंग आधार और यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो है आयुष के जो है आभा कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आभा कार्ड्स बेनिफिट पे जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम इस कार्ड में देख सकते हैं, इसका नाम जो है ABHA यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड सेव रहते हैं। मतलब आप कब बीमार हुए, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या टेस्ट करवाए, ठीक है, और क्या क्या मेडिसिन दे गई हैं आपको, तो उसकी सारी जानकारी जो है आपको इसी कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। कि इसमें आपकी सारी रिपोर्ट्स, दवाइयों की पर्ची, ब्लड ग्रुप की जानकारी और डॉक्टर आदि की जानकारी जो है इसी कार्ड में सुरक्षित रहेगी, ताकि आप जो है बार बार कहीं अगर पर्ची खो भी जाती है या डॉक्टर का बनाया हुआ पर्चा भी खो जाता है, तो इससे आप जो है उसे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि इस कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो दो ऑप्शन आ रहे थे, यूजिंग आधार और यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ के हम यूजिंग आधार पे क्लिक करते हैं। तो आधार नंबर, पहले तो सबसे पहले हम आधार नंबर इंटर करते हैं, ठीक है। आधार नंबर में हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपका आधार जो है यानी कि आधार पे आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आधार नंबर डाला, आई एग्री पे क्लिक किया और आई एम नॉट रोबोट। अब यहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं कि सेलेक्ट चिमनी की इमेज सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से वेरीफाई कर दिया, यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं OTP आने का, ठीक है। तो यहाँ से वेट किया, जैसा कि हमारी OTP आ गई है। तो अब यहाँ से हम OTP को इंटर करते हैं। OTP इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद एक हमारा डिजिटल कार्ड जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा इस टाइप से शो हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मेरा नाम लिख के आ रहा है, मेरा आभा एड्रेस आ रहा है और आभा अकाउंट नंबर आ रहा है। इस टाइप से हम जो है अपना आभा कार्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि आभा कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। आभा कार्ड क्रिएट करने के बाद जो है हम उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहें तो एडिट डिटेल से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एडिट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जैसा कि स्टेट है, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपडेट ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस को अपडेट करना हो तो हम यहाँ से ईमेल एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस के बाद सेट पासवर्ड, री KYC वेरिफिकेशन या डिलीट, या जो है डिसेबल अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं। फिर अगर इस कार्ड को हम स्कैन करके देखना चाहें तो स्कैन करके भी देख सकते हैं। अगर हमें कार्ड को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड आभा कार्ड पे क्लिक करेंगे और हमारा कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस टाइप से आभा कार्ड को हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम प्रीव्यू करके चेक कर देख लेंगे कि जो है हमारा किस टाइप से कार्ड शो हो रहा है।
तो इस टाइप से हमारा कार्ड शो होता है। अगर हमें अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तब के लिए हम इसका टोल फ्री नंबर 14477 डायल करके इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी या जो हमें नहीं पता है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि आभा कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस कार्ड का बेनिफिट जो है आप भी लें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो आपके जानने वाले हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और यहाँ से अगर आप इसका एक और बेनिफिट है, अगर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आप आभा कार्ड डालिए और यहाँ से आप जो है आभा कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।